बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरबिन फो पर। मैं हूं मौजूद इस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद भाई बहन जा रहे हैं अपने रूम में वापस। और अभी बारिश कुछ देर बहुत ही माशाल्लाह यहां पर, तो जिस तरह के देख सकते हैं हमारे तो कपड़े भी भीग चुके हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, जो कि हरम से निकलते हुए बारिश काफ़ी आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूरज भी है और साथ साथ मौसम भी बहुत प्यारा है यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार मैं आज आपको बताऊं कि हमें बिजली का बिल कितना आया, पाकिस्तान में बिजली का बिल कितना आया। काम नहीं किया इस महीने में, कोई एक रियाल का भी समझे काम नहीं किया मैंने, एक रियाल का भी नहीं काम किया। मक्का में रहूँगा और मदीना में रहूँगा फैमिली के साथ बस। और पाकिस्तान में बिजली का बिल माशाल्लाह पे कर दिया है जी 16,000 रुपये। वो बिल जो मुझे घर आता था 500 से 600 रुपया, पाकिस्तानी पैसे की बात कर रहा हूँ, 500 से 600 रुपया। हाँ बड़ा से ज़्यादा मुझे 1300 या 2000 बिजली का बिल आया, लेकिन आजकल ऐसा है कि मुझे 16,000 रुपया बिजली का बिल पे करना पड़ा। तो आमदन तो मुझे एक रियाल की नहीं आई, एक रियाल भी घर नहीं भेजा। अब तक 2 महीने पहले यहाँ पर जमा करने शुरू कर दिए कि फैमिली को बुलाएँगे और यहाँ पर खर्चा करेंगे, और ऊपर से जो 16,000 का बिल ऊपर आ गया उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि इतना बिजली का बिल आएगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह चलो यहाँ पर तो हम गुजारा कर लेंगे, 16,000 पे कर लेंगे, जो पाकिस्तान के अंदर हर चारा को मेरे जैसा को मजदूरी करने वाला बंदा, जिस तरीके हम यहाँ पर मजदूरी करते हैं, तो पाकिस्तान में तो अगर बंदा मजदूरी करने वाला है तो वो किस हाल में मतलब 16,000 बिजली का बिल पे करेगा। 25 से 30 हज़ार वो महीने में कमाता होगा, अपनी फैमिली को भी चलाएगा, किस तरीके में चलाता होगा सच। हाँ हकीकत में वाकई उस बंदे को पता चलता होगा जो अपने घर को भी चला रहा होगा और ये बिजली के बिल भी पे कर रहा होगा, ऊपर से एक नया टैक्स भी माशाल्लाह आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी है, हमें बहुत खुशी है माशाल्लाह, जितना माशाल्लाह हम टैक्स पे कर रहे हैं, पाकिस्तान में टैक्स पे करेंगे इतना पता नहीं तहफ़ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी यूरोप मुल्क में होते ही हमें अरब मुल्क में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ के अंदर। तो यहाँ पर हम भाईजान टैक्स को पे करते हैं तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खुश हैं, हमें तहफ़ मिलता है यहाँ पर, हम बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हम खुद को सेफ समझते हैं। तो यहाँ पर हमें टैक्स देते हुए खुशी महसूस होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती टैक्स देते, क्योंकि वहाँ पर कोई तहफ़ ही नहीं है। टैक्स तो देते हैं लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं है उस टैक्स का, बिल्कुल भी एक रुपये का फ़ायदा नहीं है, हम टैक्स समझे कि जानबूझ कर दे रहे हैं। वो उन हुकूमत की मर्ज़ी है, हम टैक्स उनको दे रहे हैं उनको जिस तरीके मर्ज़ी, कभी कूड़े का टैक्स लगा देते हैं, कभी इनकम टैक्स, मतलब जो भी टैक्स मर्जी मुमकिन वो बिल के अंदर डाल देते हैं और भेज देते हैं, और बंदा मजबूर होता है वो देता ही है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुमकिन दुनिया सोलर पे चली जाएगी, बिजली वहाँ से पैदा करेगी और अपने घर का निज़ाम चलाया करेगी। बिजली जाने, हुकूमत जाने, जो कि उन्होंने प्राइवेट अदारे दूसरी कंट्री से मंगवाए हुए हैं जो कि बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जाने हुकूमत जाने। तो तौबा, सच में यहाँ पर खुशी होती है हमें टैक्स दे के, सऊदी अरबिया के अंदर रहते हुए हम बहुत खुश हैं टैक्स देकर भी, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सहूलत मिलती है। सुबह निकलते हैं शाम निकलते हैं, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई चोरी बेचारी का कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है। हम रात को दिन को निकलें जिस मर्जी मगर निकलें, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम जिस तरह जो पाकिस्तान में बाहर निकलेंगे, क्या कोई उम्मीद है कि अपनी जेब के अंदर मोबाइल है जो मैं वापस रूम में ले जाऊँगा, अपने घर में ले जाऊँगा रात को? नहीं। आप रात को 12, 1 बजे, 2 बजे निकलते हैं तो क्या आपको मालूम है कि आप लुट जाएंगे रास्ते में? जिस तरह के पाकिस्तान में वो लाहौर के पास से एक जर्मन सयाह का विजिटर था, उसका 5-5.5 लाख का कैमरा भी छीन लिया गया, उसके जेब में जो पैसे थे वो भी छीन लिए गए, और ऊपर से एक पुलिस वाले डॉल्फिन की मदद मांगनी चाहिए उसने, तो डॉल्फिन वालों ने कहा है कि हमें डॉलर दो। तो ये, अरे भाई डॉलर चाहिए डॉल्फिन वालों को तो फिर आप दूसरी कंट्री के अंदर मजदूरी करने के लिए चले जाओ। आप हुकूमत के मुलाजम भी हो, हुकूमत के मुलाजम भी है, और साथ साथ कहते हो कि हमें डॉलर भी चाहिए, तो ऐसे तो नहीं, डबल डबल तो कमाई नहीं आप करना है, सही बात नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके पाकिस्तान का निज़ाम तो चलता रहेगा इसी तरीके इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये बदलने वाला नहीं, इससे भी बढ़कर भी टैक्स लग जाएगा तो फिर भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, हमें खुशी होगी इसके लिए। हम दुआगो हैं अपने मुल्क के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।